गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूं। फ्यूचर का ही दूसरा पार्ट है, सॉरी तीसरा पार्ट है, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब कंप्लीट। टेंस का मतलब काल और इसका भविष्य। मतलब कह सकते हैं, इसका अर्थ निकलता है कि वैसा कार्य जो भविष्य में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप ऐसा कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भविष्य में इस समय तक वो कंप्लीट हो चुका होगा? हाँ या ना? रेयर केस में हाँ सर निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं भी, क्योंकि भविष्य की बातें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो क्या कोरोना इंडिया में आता? नहीं आता। ठीक उसी प्रकार और इस टेंस यह भी बोध करता है कि निर्धारित समय पर कोई कार्य समाप्त। ठीक है, मैंने क्या कहा, निर्धारित समय पर कोई कार्य आपका समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, तो इसका पहचान देखिए क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, जैसे वह जा चुका होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके चाचा क्या आपके घर पे होंगे, तो आप अंदाजा लगा के कह सकते हैं शायद वो जा चुके होंगे। आप गारंटी नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं, परहैप्स सोच करके कि हाँ इतना टाइम हुआ है तो अब वो यहां से चले गए होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इतना बजे निकल जाऊंगा। लेकिन घर आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो वहीं पे अभी है। आपने अनुमान लगाया कि वो जा चुके होंगे। ठीक है, जैसे आपके घर से कोई निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो आप अनुमान लगाते हैं, अच्छा जैसे नवादा से पटना अगर आपको जाना है तो सोचते हैं कि तीन साढ़े तीन घंटा या चार घंटे में वो पहुंच चुके होंगे, है कि नहीं, पटना पहुंच गए होंगे। लेकिन आप अनुमान लगाएं, लेकिन जब आप फोन करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी पटना से कुछ 10 या 15 किलोमीटर पीछे हूं, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार भविष्य में कौन सा कार्य कब समाप्त होगा उसकी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन कभी कभी अंदाजा से हम लोग लगाते हैं कि वह कार्य आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैंने वहां पर लिखा हुआ जा चुका होगा, तो अब इसे हम बनाए कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, तभी तो आप इसका ट्रांसलेशन कर पाए, अदरवाइज कहां से करेंगे। तो देखिए, ट्रांसलेशन के लिए जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूं। तो देखिए यहां पे है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हो गया सब्जेक्ट शैल विल प्लस है प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह का क्या होगा, ही के साथ विल या शैल। अगर आपको नहीं पता है तो आई ऊपर जो आई इंक दिया हुआ है वहां से आप शैल विल का वीडियो देख सकते हैं। तो ही विल हैव, वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। जाना का तीसरा क्या होता है, गो वेंट gone, यहां पे हो गया gone। ऑब्जेक्ट है, कहीं गए, कहां गए, आपके घर नहीं ना, तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर है, वह जा चुका होगा। ठीक उसी प्रकार एक और मैं लेता हूं,
तुम खा चुके होगे या होंगे, है कि नहीं? तो क्या बनेगा इसका? यू विल हैव, और खाना का इट भीतरी इट एट ईटिंग, यू हैव ईटिंग। क्लियर है? अफर्मेटिव मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में होगा कि सर अगर निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। इससे वह नहीं जा चुका होगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, नहीं जा चुका होगा तो क्या करेंगे, कहाँ पे लगेगा नॉट का प्रयोग, बता सकते हैं? नहीं, मैं लास्ट पिछले क्लास में ही मैंने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस में कि नॉट का स्थान कितने नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरा नंबर कहाँ है? फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे नॉट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा? ही विल नॉट। अगर आप इसे काट बांध लेते हैं तो मेरे ख्याल से 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि नॉट का प्रयोग आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव गॉन। ठीक उसी प्रकार हुआ, नहीं खा चुका होगा तो क्या बनेगा? यू विल नॉट हैव ईटन। क्लियर है? बाकी स्ट्रक्चर्स मैं आपको दे दूंगा, उस पर आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बस आपको ट्रांसलेशन थोड़े बहुत आएंगे। जब आप किसी चीज के बारे में सोचिएगा तो उसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, किस तरह से मैं बोलूंगा, तो उसी के लिए मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहा हूँ, यानी फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर रहा हूँ, पढ़ाने की जरूरत है। अदरवाइज एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्लियर है? अगर आता भी है तो क्या आएगा, जब मेरा टेंस का क्लास समाप्त होगा उस समय मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पे आपको 100% समझ में आ जाएगा कि किस तरह से टेंस के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही। धन्यवाद।